बीडी राम बोल रहे हैं कि इस बार जो है विधानसभा चुनाव में और जो उनके जो नेता है कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि इस बार आरजेडी का सफाया है। भाजपा बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है, लोकसभा में भी आप सब जानते हैं, आप साक्षी हैं इस चीज के कि 400 पार का नारा तो ऐसे लगा था कि जैसे रुकेगा ही नहीं, 400 पार हो ही जाएगा, लेकिन आप सब देख रहे हैं कि 200 पार होते 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 उनका हालत खराब हो चुका था। झारखंड में कोई राज किया है तो वह है बीजेपी, लेकिन यहाँ का सबसे मेन मुद्दा पलायन, बेरोजगारी, उस पर आज तक उन्होंने क्या क्या काम किया। बीजेपी सिर्फ मुद्दे की बात करती है पर जन संवाद और जन से जुड़े हुए मुद्दे क्यों भूल जाती है। वो देश और विदेश की मुद्दे को तो उठा लेते हैं, लेकिन जो बेरोजगारी है, जो महिलाओं की हालात है, खास करके महंगाई से। विधानसभा से ममता भुइयां जी दावेदारी कर रहे हैं, हम छतरपुर विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का आखिरी निर्णय होगा वही मेरे लिए सर्वमान्य होगा। पलामू के पूर्व सांसद प्रत्याशी हमारे साथ ममता भुइयां जी हैं। ममता भुइयां जी, चुनाव के लिए बहुत ही कम समय रह गया है, आप लोग हर साल चुनाव से कुछ महीना पहले एक्टिव होते हैं, ये बताइए अभी क्या स्थिति है पलामू में और पूरे झारखंड में आरजेडी की? जी पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और रही बात आरजेडी के पलामू में संगठन की, तो अगर झारखंड में सबसे ज़्यादा कहीं संगठन मजबूत है तो वो है पलामू। और पलामू के हमारे जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के सच्चे सिपाही हैं, उनका पूरी पूरी तैयारी है कि अगर जैसे ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय आता है, जैसे ही वो अपना आदेश जारी करते हैं, हम लोग पूरी तरह से तैयार है। जिस जिस सीट पर उनका आदेश होगा, हम लोग पूरे मिलजुल करके पूरा संगठन के साथ हम लोग अपना चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। बूथ कमेटी से लेकर के पंचायत कमेटी, हर चीज़ हम लोग रेडी करके रखे हुए हैं। अब हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन भी करवाने जा रहे हैं बहुत जल्द। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उस पर आप लोगों ने कितना मंथन किया और कहाँ चूक हो गई, आप लोगों ने समीक्षा की? जी हाँ, समीक्षा बैठक तो हुआ और उस समय समझ में आया, उसमें क्या क्या बातें समझ में आई, क्यों आप लोग पीछे रह गए? पीछे रहने का सबसे बड़ा कारण हमारे ही पार्टी के कुछ पदाधिकारीगण, टिकट नहीं मिलने से नाराजगी हो जाता है। और एक सबसे बड़ा भी वहाँ का मुद्दा था, और एक मुद्दा नहीं बोलेंगे वो, समझिए हम लोग का पार्टी के लिए बहुत बड़ा घातक रहा, वहाँ के पलामू जिला के जिला अध्यक्ष और वहाँ के कार्यकर्ता तो अपने जी जान लगा करके पूरा 100% क्या 200% देने को रेडी थे और दिए भी, लेकिन कुछ भीतरघात होने की वजह से ऐसा हुआ, जो कि चुनाव में होते रहता है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर जो चुनाव लड़ता है वही हारता है। बीडी राम बोल रहे हैं कि इस बार जो है विधानसभा चुनाव में और जो उनके जो नेता है कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि इस बार आरजेडी का सफाया है। चतरा तो आप लोग हार ही गए, चतरा में भी नहीं निकाल सके आप लोग, रह गया आपका पलामू से भी खत्म हो रहे हैं आप लोग, जमीन खिसक रही है। जी ऐसी कोई बात नहीं है। और रही बात हमारे माननीय सांसद महोदय जी का, तो खैर आप सब जानते हैं कि भाजपा बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है, लोकसभा में भी आप सब जानते हैं, आप साक्षी हैं इस चीज के कि 400 पार का नारा तो ऐसे लगा था कि जैसे रुकेगा ही नहीं, 400 पार हो ही जाएगा, लेकिन आप सब देख रहे हैं कि 200 पार होते 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 उनका हालत खराब हो चुका था। और विधानसभा में भी आप देखिएगा बहुत मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन उभरेगी, क्योंकि ये मेरा मानना है और पलामू के तमाम जनता का मानना है, झारखंड के जनता का मानना है कि अब भाजपा का डाउनफॉल शुरू हो चुका है और अब लोगों को समझ आने लगा है कि सिर्फ धर्म और जात के नाम पर चुनाव लड़ने से नहीं होगा। अब यहाँ पे युवाओं को रोजगार चाहिए, शिक्षा की बातें करनी होगी, उनके हक और अधिकार के लिए लड़ने वाली पार्टी को वहाँ की जनता भरोसा जताएगी। क्या आप लोगों का क्या तैयारी क्या है इस बार? बीजेपी पूरा एड़ी चोटी का जोड़ लगा दी है, हेमंता बिस्व शर्मा है, शिवराज सिंह चौहान है, कई नेता जो है झारखंड में अभी हैं, और आप लोगों को एक तरह से कहें सत्ता से बेदखल करने के लिए और जो विधानसभा के जो
मैजिकल नंबर है उसको अचीव करने के लिए वो लोग जो है हर कोशिश में लगे हैं। पलामू परमंडल में क्या मुद्दे हैं? पलामू परमंडल में बहुत सारी ऐसे मुद्दे हैं, आप देख सकते हैं कि पिछले 25 साल में सबसे ज़्यादा अगर झारखंड में कोई राज किया है तो वह है बीजेपी, लेकिन यहाँ का सबसे मेन मुद्दा है पलायन, बेरोजगारी, उस पर आज तक उन्होंने क्या क्या काम किया। आप पलामू की बात कर रहे हैं तो पलामू की बातें मैं भी बताऊं कि पिछले 15 साल, अब 15 साल होने जाएगा, पिछले 3 टर्म से हमारे माननीय सांसद महोदय वहाँ पे हैं, लेकिन आप वहाँ के धरातल पे जा करके देखिए इतना जर्जर स्थिति, आप लोगों के घर और किचन को तो बात दूर छोड़िए, गली रोड और वहाँ के नाली आप देखेंगे तो रोड पे आप चलने लायक नहीं रहेंगे, खास करके अभी के मौसम में। मैडम ये बता दीजिए, ठीक है चुनाव से संबंधित बात कर लेते हैं, इस बार आरजेडी की दावेदारी क्या है? पिछली बार महज एक सीट आप लोग जो है आप लोग जीत पाए थे, इस बार भी वही बदलाव देख रहे हैं? इस बार हम बस यही आपको कहना चाहेंगे कि बहुत जल्द आप सभी को सामने खुलासा कर दिया जाएगा, और हमारे जैसे प्रभारी महोदय बोल रहे थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय आप सबके सामने खुल करके बोल ही रहे हैं कि 22 सीट पर हमारी पुरजोर तैयारी है, और बहुत आश्चर्यजनक इस बार स्थिति रहेगा, और हमारा राष्ट्रीय जनता दल इस पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा विधानसभा चुनाव। लग रहा है कि बीजेपी जिस तरीके से बांग्लादेश घुसपैठ के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर आप लोगों को घेर रही है, इंडिया गठबंधन को घेर रही है, वो उसमें सफल हो पाएगी, आपको क्या लगता है? बीजेपी सिर्फ मुद्दे की बात करती है, पर जन संवाद और जन से जुड़े हुए मुद्दे क्यों भूल जाती है? वो देश और विदेश की मुद्दे को तो उठा लेते हैं, लेकिन जो बेरोजगारी है, जो महिलाओं की हालात है, खास करके महंगाई से उनके किचन में क्या हो रहा है, उस पर कभी क्यों नहीं बात करती है? उनके बच्चों की शिक्षा की बात क्यों नहीं करती है? पलामू में आप जा करके देखिए इतना खराब स्थिति है आपका अस्पताल का, कहीं कहीं तो ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे डॉक्टर नहीं है, उस पर क्यों नहीं बात करती है? अगर आपको बात करना है तो आप जन मुद्दों पर बात करिए ना, कि हमारा राष्ट्रीय जनता दल गरीबों और पिछड़ों की पार्टी है और हम लोग जन मुद्दे की बात करते हैं, बात करते हैं। ममता भुइया कहाँ चुनाव लड़ रही है? ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय तय करेंगे, और जो उनका निर्णय होगा वो सर्वोपरि हमारे पार्टी के लिए भी होगा और मेरे लिए भी होगा। कोई दावेदारी है लग रहा है, आप पार्टी जो निर्णय लेगा, अगर आप टिकट नहीं देती है तो भी ममता आप जो है कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा? देखिए रही बात दावेदारी की, तो हाँ चुनाव की तैयारी तो है, लेकिन मेरा सारा निर्णय मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय। विधानसभा से ममता भुइया जी दावेदारी कर रहे हैं? हम छतरपुर विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का आखिरी निर्णय होगा वही मेरे लिए सर्वमान्य होगा। अब ये बता दीजिए आप लोग कितने सीट में कॉन्फिडेंट है, कितने विधानसभा में कॉन्फिडेंट है? हाँ यहाँ पर आरजेडी आरजेडी देखिए हर जगह मजबूत है, आरजेडी के कार्यकर्ता आपको हर जगह मिलेंगे, बस यही दिक्कत है कि कुछ सालों से हमारे आरजेडी पार्टी हर जगह कैंडिडेट नहीं दे पाने की वजह से हम लोग थोड़ा बिखर गए थे, लेकिन इस बार हम लोग सब का एक तरह से एक साथ होकर के यही आवाज़ उठा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को हम लोग अपना आवाज़ भेज रहे हैं हमारे प्रभारी महोदय के थ्रू कि हमें यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सीट पर लड़ाया जाए। The followup.in like, share and subscribe www.thefollowup.in